जनायक जनता पार्टी के युवा मोर्चा की ओर से गत दिनों आईटीआई के छात्रों पर हुई लाठीचार्ज के विरोध में कमेटी चौक पर सरकार की शव यात्रा निकाली गई व पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। गांव युवा के अध्यक्ष अमनदीप सिंह चावला, इंसो के अध्यक्ष उत्तम घनघस ने कहा कि जब तक सरकार दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती, पूरे हरियाणा में इंसो व युवा जननायक जनता पार्टी प्रदर्शन करती रहेगी। उन्होंने सरकार से मृतक छात्र के परिजनों को सम्मान राशि मुआवजे के रूप में देने की मांग की व परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की। जो आईटीआई में छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, हम सरकार से पूछना चाहते हैं, वो छात्र हमारे जेल का टुकड़ा है, हमारे देश का भविष्य है, क्या इन्होंने उन्हें आतंकवादी समझा था या किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में थे जो उन पर AK-47 के साथ गोलियां चलानी पड़ी, जो अध्यापकों को अंदर से निकाल निकाल कर मारना पड़ा, ऐसा जो छात्रों के साथ दुर्व्यवहार किया उसके संज्ञान में पूरे हरियाणा में इंसो ने प्रदर्शन किया है और छात्र की मांगों को मानने के लिए सरकार पर कहा है, या तो बुधवार तक का समय देते हैं सरकार उनकी मांगे माने, नहीं तो माफी मांगे और इस्तीफा देने का काम। पूरी इंसो ने प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर हरियाणा सरकार का पुतला फूका है, मनोहर लाल खट्टर का पुतला फूका है, जो पिछले दिनों आईटीआई के अंदर नियुक्त छात्र छात्राओं और प्रिंसिपल को मारा गया, इतनी बुरी तरह AK-47 की गोलियां चलाई गई। हमारा कहना यह है कि हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर ने हिटलर शाही बना दिया है, ऐसा हाल कर दिया है, जलियांवाला बाग बनाने का काम कर दिया आईटीआई को। इस विरोध में इंसो ने आज मनोहर लाल खट्टर की शव यात्रा निकाली और हम सरकार को अल्टीमेट देते हैं बुधवार तक का, अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो इंसो दोबारा पूरे हरियाणा के अंदर प्रदर्शन करेगी। जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होगी इंसो प्रदर्शन करती रहेगी और हम अपने छात्र भाइयों को कहना चाहते हैं, हम दबने की जरूरत नहीं है, पूरी इंसो पूरा युवा करनाल का आपके साथ खड़ा है। हम कहना चाहते हैं खट्टर सरकार को, वैसे तो कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हमारी बहनों को हरियाणा पुलिस के जवानों ने लाठियों से पीटा, हमारी बहनों के ऊपर गोलियां चलाई, क्या इतनी भी वो नहीं थी कि महिला पुलिस को बुला लेते, हमारी बहनों के चुटिया पकड़ पकड़ कर बसों में डाल के ले गई हरियाणा पुलिस। हमारा बस ये विरोध है कि जिन्होंने हमारी बहनों के साथ इतनी गंदी हरकत की सबको सस्पेंड कर देना चाहिए और जिसके कहने पर हरियाणा पुलिस ने कार्रवाई की उसको भी सस्पेंड कर देना चाहिए। मृतक छात्र के बारे में क्या मांग करते हैं? मृतक छात्र के बारे में हम मांग करते हैं कि मृतक छात्र का छोटे भाई को हरियाणा सरकार में नौकरी देनी चाहिए और उसके घर एक सम्मान राशि हरियाणा सरकार को पहुंचानी चाहिए और हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, क्योंकि हरियाणा रोडवेज की लापरवाही से आए दिन हमारे युवा परमात्मा को प्यारे हो जाते हैं। हरियाणा रोडवेज, ये मांग आज की नहीं है, पूरे 10 साल हो गए हमें प्रदर्शन करते हुए रोडवेज की। जब आईटीआई चौक पर बस चौपना हुआ तो हरियाणा रोडवेज वाले बस क्यों नहीं रोकते?